जियो जियो जियो, जी हाँ जियो। डिजिटल रिलायंस इंडस्ट्री की सालाना बैठक में सामने मुकेश अंबानी ने काफी बड़ा अनाउंसमेंट किया यहाँ पे जियो फाइबर को लेके। तो दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे जियो फाइबर का, अगर आप इंतजार कर रहे हो तो आपके लिए काफी अच्छी खबर है और जल्द ही जियो फाइबर आपके सामने होगा, आपके घरों में होगा। तो चलिए जो अनाउंसमेंट सामने जो निकल के आया है, मुकेश अंबानी का क्या कहना है जियो फाइबर को लेकर और इसकी क्या कंपनी ने यहाँ पे क्या निकाला, कब से आपको मिलने वाले, इन सारे डिटेल्स के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समय आया इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए जान लेते हैं जियो फाइबर कब से हमें मिलना स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करें यहाँ पे तो जियो फाइबर जो ब्रॉडबैंड सेवा है वो 5 सितंबर से व्यावसायिक तौर पे उपलब्ध हो जाएगी। और हम बात करें इसमें क्या क्या पैसे, कितने मिनिमम आपको पैसे देने होंगे, ये सारी बातें में हम करेंगे यहाँ पे और क्या यहाँ फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करें रिलायंस जियो की जो फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा 5 सितंबर को व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध करा दी जाएगी। और ये जानकारी जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया रिलायंस इंडस्ट्री के आम सालाना बैठक से मुकेश अंबानी इसकी घोषणा की है। और जियो जो ब्रॉडबैंड सेवा की बात करें तो पिछले साल ही इसे लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी तक यह बीटा टेस्टिंग हो रही थी इसकी। और जियो फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा की कीमत की बात करें तो यहाँ पर लगभग जो मिनिमम कीमत लगभग 700 रुपये से शुरू होगी और लगभग 10,000 रुपये तक यहाँ पर रहने वाली है, जैसा जो सामने निकल के आया है। अब बात करें जो जीगा फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, उनको यहाँ पे वॉइस कॉल हमेशा के लिए मुफ्त मिलेगा दोस्तों। जी हाँ, तो काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पे देखने को मिला है। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी ने बताया कि करीब एक साल पहले जियो फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा को लॉन्च किया गया था। इस दौरान कंपनी को देश भर से लगभग 1600 शहर में करीब 1.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन मिले। तो कंपनी ने करीब 5 लाख घरों को अपनी ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ा है, यानी 5 लाख घरों में जियो की इस सेवा की टेस्टिंग चल रही है। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे हम जब तक बात करें कि अब जियो फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा 5 सितंबर से आम ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे मुकेश अंबानी ने बताया। अब बात करें जियो जो फाइबर सेवा की कीमत और ऑफर्स के बारे में, तो जैसे कि ज़्यादा कुछ निकल के सामने ही आया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया इसकी कीमत लगभग 700 रुपये से शुरू होने वाली और 10,000 रुपये तक जाएगी। और जियो फाइबर कनेक्शन इस्तेमाल करने वाले ग्राहक अनलिमिटेड वॉइस कॉल की सुविधा पाएंगे, यहाँ पे रोमिंग कॉल्स बेहद ही किफ़ायती दर पर उपलब्ध होगी। और मुकेश अंबानी ने बताया कि कीमत का विस्तृत ब्यौरा 5 सितंबर को जारी किया जाएगा। तो 5 सितंबर को जैसे ही इसे लॉन्च किया जाएगा तो इसके लिए जरूर यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक मीट इवेंट्स होगा, उसके दौरान यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिटेल जो भी इसके प्लान होते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा, जियो फाइबर में क्या क्या प्लान आपको देखने वाले। अब यहाँ पे कंपनी ग्राहकों को एक HD 4K LED TV और 4K सेटअप बॉक्स मुफ्त देगी, तो ही ये जियो फाइबर इस्तेमाल कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जियो फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन कई कंटेंट प्लेटफॉर्म के सब्सक्राइबर के साथ आएगा। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री की आम सालाना बैठक में मुकेश अंबानी ने जानकारी दी है कि जियो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ कंपनी 2020 के मध्य में फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी स्क्रीन सेवा को जोड़ेगी, जिसकी मदद से यहाँ पे यूजर्स किसी भी सिनेमा को रिलीज होने के दिन ही अपने घर में देख पाएंगे। तो ये जियो के प्रीमियम ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप दोस्तों चैनल पे बने रहना, आपको मिलेगी जस्ट ही जो नया यहाँ 5 सितंबर को न्यूज आती है, तो काफ़ी यहाँ नया नया आपको देखने को क्या मिलता है इसके बारे में मैं वीडियोस अपलोड करूँगा चैनल पे। तो चैनल पे आप बने रहना, तो वीडियोस को लाइक कर देना और इस तरह की वीडियोज़ के लिए जैसे कि मैंने कहा मैं चैनल पर बनाऊँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि यहाँ उनको लिए काफ़ी अच्छी खबर चीज़ों की तरफ से देखने को मिला अगर यहाँ पर इंटरनेट यूज़ करता है और